दूंगी, वो अच्छी तरह तुम्हें देख लेगी, ठीक है? बल्कि तुम ऐसे करो, कल से तुम आ जाओ ना फेशियल वगैरह के लिए, हाँ, ताकि बिल्कुल अकॉर्डिंगली हम चलते जाएं उस दिन तक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। शैला जी, नासरा भाजी। अच्छा भाई, वो फरी का फोन आया, बड़ी घबरा रही है कि पता नहीं मैं कैसी लगूंगी दुल्हन बन के। मैंने कहा फिक्र ना करो शैला, सब देख लेगी। एक तो तुम कल से जरा उसको ठीक से सीरियसली ले लो, और फिर नासरा जी मेरी अपॉइंटमेंट बुक है यहाँ पे। हाँ है, तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक यहाँ है। एक काम मेरा करके भी जाना, मुझे आज जल्दी जाना है, ये मिसेस बर्की को जाते हुए कैश पहुँचा देना प्लीज, है? और फिर अभी ये कि 6:30 बज गए, और क्लाइंट्स मत लेना क्योंकि देर हो जाएगी, फिर लड़कियों को ड्रॉप भी करवाना है, तो चौकीदार से ठीक से ताला लगवा लेना, सब चीज़ें चेक करके बंद कर लेना। देर हो गई तुम्हें यार, दरवाजा पहले बंद करो, फिर बताती हूँ क्यों देर हो गई। दो दिन से सारा सौदा खत्म हुआ था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। रुचि और सुनो, उस दिन मैं गई थी ना नाजिया की तरफ। कौन नाजिया? एक तो तुम हर बात भूल जाती, पिछले मंगल को गई थी ना जब तुमसे तुम्हारा पिला खत्म आ गया था। हाँ अच्छा, फिर यहाँ की चची आई थी, बस मुझे देखे जा रही थी। अच्छा, उन्होंने नाजिया से मेरे रिश्ते के लिए कहा। अच्छा जी, जी मिसेस बर्की, हाँ जी, बस अभी पहुंची हूँ। मिल गई ना लिस्ट? हाँ, दोनों स्क्रब्स और मेकअप बेस भी। हाँ नहीं, मस्कारा तो मैंने बता दिया था उसको, शैला के पास है। हाँ हाँ, वो लुक आफ्टर कर लेगी सब। नहीं नहीं, आप ना घबराएं। ओके ओके, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, अच्छा ये फिर उनका फोन आया। अच्छा हाँ जी, हेलो जी, भूल रही हूँ, पहचान तो लिया था, जरा कंफर्म कर रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अरे वाह, मुबारक हो, बहुत बहुत तौबा है, एक के बाद एक फोन। मैं सुबह से मरी जा रही तुमसे बात करने को, और तुम हो के बस। अच्छा चलो आओ और सुकून से बताओ, फिर क्या कह रही थी वो? अरे भी वो कह रही थी कि, अरे एक मिनट प्लीज, बाहर कोई दरवाजे पर है, तुम खोलो, मैं बहुत थकी हूँ। लो जी, आ गई तुम्हारी वो मेरी नानी अम्मा। बड़ी अम्मी ना थी ना मैं। मेरी बेटी आ गई, इतनी प्यारी। आज नाने को मम्मी, कैसी हैं आप? कैसे हो? बड़ी अम्मी, आज मैं आपके पास आऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, कार्टून देखूंगी, मगर दूध नहीं पियोगे। भाई ठीक है, मेरी बेटी को दूध नहीं पीना। रानी आंटी कैसी हैं आप? वैसी की वैसी। सलाम अलैकुम रानी आंटी। वालेकुम सलाम शुभदाई जान। अच्छा अम्मी, हम लोग आज क्रैबिंग जा रहे हैं, शहूद का सारा सर्कल है, सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, और हट भी बुक करा लिए। आपको तो पता है मानो को सी सिकनेस हो जाती है, इसलिए आप ही के पास होगी आज। ठीक है भाई, मैं अपने तोते से अच्छी अच्छी बातें सुनूंगी। बड़ी अम्मी आप मुझे तोता कह रही हैं? अम्मी देखिए ना, बड़ी अम्मी मुझे तोता कह रही हैं। कोई बात नहीं बेटा। बेटा आपको नहीं कह रही, रानी आंटी को कह रही हैं।
तोता तो हरी मिर्चें खाता, ये तो मीठी मीठी चीजें खाती है ना। अच्छा अम्मी, हम लोग चले, में देर हो रही है, इसकी सारी चीजें इसके बैग में, इसको 10 बजे तक सुला दीजिएगा, सुबह स्कूल भी है, हम लोग मेरे ख्याल से 6 बजे तक आ जाएंगे, सुबह के हो सकते हैं 4 बजे। हाँ बेटा प्लीज एहतियात से, जरा गहरे समंदर से मुझे बहुत खौफ आता है, तुम लोग जब एक्साइटेड हो जाते हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। ओके ओके, फिक्र ना करें अम्मी। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। बड़ी अम्मी, आज मैं आपके पास आऊंगी कंबल में घुसकर, है ना? हाँ, लेकिन वो वाली बात नहीं ना, जब मुझे आएगा तो मैं आपको उठा दूंगा। अच्छा भाई, अच्छे बच्चे जो है ना वो बाथरूम में करते हैं, बिस्तर पे नहीं करते। बड़ी अम्मी, मैं कार्टून देखने जाऊँ? हाँ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल। वो ये जो तुम्हारा दामाद है ना, बड़ा अजीब सा है। क्यों? एक अनमैरिड लड़की को आंटी कह रहा, कोई ऐसी लड़की से फ्री होने की कोशिश करे ना, वो बहुत ही मुझे बुरा लगता। चलो खैर, मैं बता रही थी ना आपको। हाँ, फिर क्या हुआ? वो फोन आया था ना अब्बा जी को। बड़ी अम्मी, चैनल नहीं लग रहा, कार्टून लगा दे। अच्छा बेटा, मैं भी आती हूँ मेरी जान। जा रही हूँ और सुबह आऊंगी और अपनी बात भी कल ही सुनाऊंगी। तुम्हारे पास तो नौकर होना चाहिए बात सुनने के लिए। भाई ये दोनों सही आज कर रहे हैं, बच्चे तो नानी ने पाल दिए और यहाँ पे पिकनिक और खाने चल रहे हैं। बस जी, अपने अपने किस्मत है, किस्मत वालों को ही ऐसी सास जहेज में मिलती है। मेरी नेकियां हैं जो काम आ रही हैं। यार हमारी सास तो पंजाब में है, यहाँ होती तो हम भी देखते कि नेक है या गुनाहगार। वैसे परवेज भाई, आपकी अम्मी भी तो आपके साथ ही रहती है ना? भाई मेरी अम्मी के साथ मसला ये है कि वो मेरे बच्चों को प्यार तो बहुत करती है और वो उन्हें पाल भी लेती है, लेकिन यार मेरे बच्चे नुसरत के भी तो हैं। खाली सांस हैं, बिल्कुल खाली सांस। सर मेरी सास हैं बहुत समझदार, बल्कि बहुत ही ग्रेट, अगर वो ना होती ना तो हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। सास तो मेरी भी दिल की बुरी नहीं है, मगर वो बेबी सिटिंग से बहुत चिढ़ती हैं। अच्छा भाई, अब सास टॉक ही करोगे क्या? यार यहाँ से लेफ्ट लेना था। और अभी लाला ने गेट भी बंद कर दिया चुका होगा। छुट्टी हो गई आपके स्कूल से? पता नहीं बेटे कहाँ रह गए, आज मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मिस और मैडम मुझे पनिश करेंगे। चलो बेटे, आप स्कूल नहीं जाना। अच्छा, बहुत देर लगा दी है। मोबाइल शायद घर पे ही रह गया। परवेज के मोबाइल से फोन कर देते, मुझे बता तो देते कि हमें इतना टाइम लग जाएगा। 4 बजे से मैं इंतजार कर रही हूँ, 7 बजे से बच्ची को स्कूल के लिए तैयार किया। अम्मी कुछ ख्याल ही नहीं रहा वो। कमाल है वैसे, तुम्हें अपनी माँ का और अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं आया। अजीब किस्म के वसवसे मेरे दिल में आ रहे थे, कभी सोचा है तुमने? एनीवे इसका बैग रखा है, इसमें सब चीजें डाल दी, ले जाओ। अम्मी आई एम रियली सॉरी, बस सॉरी सॉरी ना, बस टेक केयर, खुदा हाफिज़। शहूद क्या हो गया अगर जरा सा अम्मी ने डांट दिया तो? मैं क्या कह रहा हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी रात हमारी वजह से वो परेशान रही है, इतनी बेचैन हुई होगी, ये भी तो सोचो कितना बॉदर किया होगा उन्हें। हाँ हाँ ठीक है ना, बस हम उन्हीं की वजह से तो तफरी कर रहे हैं, सोचे जरा कितनी खिदमत करती है अम्मी हमारी। तो ठीक है ना, कोशिश करेंगे कि आइंदा उनको तकलीफ ना दें। वो देखो मानो को गिरती जा रही है पीछे। मानो, लो जी हो गई जासमीन की वापसी। आखिर जल्दी कैसे आ गई? बस तबीयत कुछ ठीक नहीं आज, पता बहुत सर में दर्द है, रात भर तो डिस्टरबेंस रही, तुम्हें पता ही है। कब चाय बना दो?
हाँ बे क्यों नहीं, रात को नर्स की तरह अलग ड्यूटी और दिन को अलग। नर्सों की तो शिफ्ट बदलती रहती है, आपके पास तो पार्ट टाइम नानी भी नहीं है नवासी को देखने के लिए। अच्छा बोले जाओगी, अब चाय भी बना दो प्लीज। बनाती हूँ। अच्छा बाबा उसकी केयरटेकर मिली हुई, कर लो मजे। अगर मेरी हो गई ना शादी तो याद करोगी जनाब। बस अब ये गजब ना करना। हाँ भी क्यों नहीं, आखिर लड़कियों को एक दिन जाना ही होता है ना। अब तक शादी नहीं की तो अब भी ना करो, ताकि मैं भी तो किसी को कह सकूं कि मेरे साथ की लड़कियां अभी तक बैठी हुई। वो तो मेरी ही शादी जरा छोटी उम्र में गलती से हो गई थी। हेलो नासर, ऐसे तो ना कहो, मैं तो तुमसे ठीक ठाक उम्र में छोटी हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है अगर तुम्हारी शादी जल्दी हो गई। मुझे लगता तुम कोई ना कोई चक्कर चलाकर मेरा रिश्ता होने से रोक देती, वरना मुझे तो हफ्ते में दो दो पैगाम आते हैं। शुक्र सुबह दोपहर शाम नहीं आते, वरना बदहजमी हो जाती। प्लीज दरवाजे पे देखना कौन है। अब्बा जी तो फौरन बुलाने आ जाते हैं। कौन है जी? मैं हूँ। एक तो इन मर्दों में मैं बहुत होती हूँ। मैं का पूरा नाम क्या है जी? मंसूर। कौन मंसूर? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ भाई दरवाजा तो खोलिए। अरे भैया आप पूरी तरह यहाँ होंगे तो मैं खोलूंगी, सिर्फ तीन काले बटन देकर मैं नहीं खोलूंगी। ओहो भाई एक मिनट, आज ये सूरज कहाँ से निकल आया जनाब, माल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा मामूजाद साहब, बताओ ना दोरा रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। आपसे मिलकर कुछ खुशी हुई कुछ गम हुआ। वैसे भाई तो आप चिड़िया हैं या पर, बड़ी मुखलिस दोस्त है तुम्हारे। दरवाजे पे आने वाले हर मेहमान की जान ले सकती हैं सिर्फ तीन काले बटन देखकर। आप बैठो तो सही, आते रानी से उलझ के। हाँ बैठो रानी। हाँ तो ये बताओ, एक साल से तुम पाकिस्तान में हो और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अरे भाई क्या करते, इतने साल बाद पाकिस्तान में आके सेटल होना, दिल जमाना, कदम जमाना। 20 साल अमरीका में रहकर इंसान की आदतें जो बदल जाती है, बदलते बदलते ही बदलती है ना। बस अभी जमे ही थे कि उखड़ गए। कैरोलिन पाकिस्तान आने पे राजी कैसे हुई? कैरोलिन सिर्फ शादी पे राजी हुई थी, फिर कभी राजी नहीं हुई इन 13 सालों में। ओ तो अब कहाँ है वो? अमेरिका में। मेरे एसेट्स में से आधे की मालिक, इंश्योरेंस समेत सभी कुछ तो ले गई वो, बच्चे तो थे नहीं। फिर मैंने सोचा मियां घर चलो, सो खैर से बुधवार को आए। तो बहुत बुरा हुआ। मैं बुरा क्या हुआ, इतने साल पाकिस्तान में रहकर जितना कमा सकता था उतना तो कमा लिया मैंने। हाँ बस ये अफसोस है कि 20 साल दारे गैर में गंवा दिए, और खैर जिंदगी इसी का नाम है। और फिर कैरोलिन यतीम थी, और हुक्म है कि यतीमों के सर पर हाथ रखो सवाब होगा। ऐसे कि वैसे ही हो, तुमने से कुछ नहीं फर्क पड़ा। अरे भाई ये क्या, गैरों की तरह ठंडे पेट रखाओगे? नहीं भाई नहीं, मैं खाना खा के जाऊंगा। खाना भी खा लेना, तुम ये तो पियो। अच्छा खाना खिला के भेजेंगे तुम्हें। हाँ ठीक। रानी मैं खाना गरम करके देती हूँ जी। अरे भाई नासरा ये क्या जाती है तुमने, नविदा कितनी जल्दी शादी कर दी, अभी तो बहुत छोटी थी भाई वो। भाई वो मंगनी तो मैंने नविदा की पहले कर दी थी, दरअसल लड़के के माँ बाप का इंतकाल आगे पीछे हो गया था, बिल्कुल अकेला हो गया था बेचारा, होटलों के खाने खा खा कर ख्वार हो रहा था। फिर मैंने सोचा करनी तो है ही, कर दी। भाई ये तो सुना था कि आटा महंगा हो गया है, लेकिन इतना महंगा हो गया है कि लड़की को भी भगा दोगी, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा ये बताओ कैसा फील करती हो उसके बगैर? बहुत लोनली, बहुत अकेलापन। लेकिन बहरहाल पार्लर का जॉब है ही, काफी दिल बहल जाता मेरा वहां। अच्छा विदा तो खुश है ना? आखिरी दफा जब मैं मिला था उससे तो 8 साल पहले मिला था, माँ भाई के इंतकाल पर। अच्छा कुछ समझदार वगैरह भी हुई है घर के मामले में?
अरे बे खाक समझ आए से घर चलाने की। शुरू के महीने में तो अम्मा साहिबा खाना फ्रीज करके देती थी, कभी फोन पे रेसिपी समझा रही होती थी और कभी कुछ। क्या करती बेचारी, अचानक शादी होगी उसकी, लेकिन अब काफी समझदार होगी पहले से। वे नाजरा, ये दीदा से फोन पे बात नहीं हो सकती। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी करवाती हूँ, बल्कि बहुत खुश होगी वो। हेलो। हाँ विदा। हाँ बेटे, क्या कर रही थी? अच्छा अच्छा सुनो, मंसूर अंकल आए हैं। कौन से? वही वही जिनके बहुत घने बाल हैं। बिल्कुल सही, बहुत पहचाना। कैरोलिन? नहीं बेटा, बस वो समझो खत्म ही है। हाँ कुछ तुम खुद बात कर लो ना। हाँ खुद बात कर लो, ये मेरा सर खा रही है, बात करो। हाँ भाई विदा, क्या कह रही थी तुम, बहुत घने बाल हैं। हाँ बात सुनो, बचपन में दो दफा गया था मैं नाई के पास तुम्हें लेके उस्तरा फिरवाने के लिए। हाँ है? अच्छा बहुत जल्दी थी तुम्हें अपनी शादी की, सुना है सास ससुर को मार दिया ताकि बच्चा अकेला हो जाए और तुमसे घबरा के शादी कर ले। हैं? ना, ना ना ना, मुझे नाना कहलवाने का कोई शौक नहीं है, अपनी बेटी से भाईजान कहलवाओ, कम से कम कुछ तो इज्जत होगी। हैं? और फिर तुम्हारे अमाल की सजा मैं क्यों भुगतू? हैं? म्याऊ कैसे हैं तुम्हारे? हैं? फोटो से तो बहुत अच्छे दिखते हैं, अच्छा खासा लड़का बेवकूफ बनाया तुम मां बेटी ने। हैं? नहीं मंसूर भाई नहीं, तुम्हें पता है अरसा हो गया मुझे सिनेमा हॉल में गए, बहुत अजीब सा लगता है, अब कोई नहीं जाता यहाँ। भाई जिस जमाने में तुम यहाँ थे वो और बात थी, अब हालात बहुत बदल गए। हो ही नहीं सकता, तुम्हारे दोस्त ने भी बिल्कुल वही फॉर्मूला फिल्म बनाई होगी जो हमेशा बनती है, जी पैसे कमाने वाली। ये प्रीमियर का भी रिवाज हो गया यहाँ, बहुत फैशन हो गया बल्कि। अच्छा भाई चलो ठीक है, तौबा पीछे पड़ जाते हो तो। सुनो अब भी मौका है, ये कार्ड्स किसी अच्छी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ किसे? रानी को? चलो ठीक है, रानी को भी ले चलेंगे। तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो तुम्हें आंटी के यहाँ छोड़ दूँ, उनकी छुट्टी है, तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ वाकई, आप जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दें, वैसे भी आप तो रात को देर से ही आएंगे। हाँ मैं 12:00 बजे से पहले नहीं आऊंगा क्योंकि मेरी है प्रेजेंटेशन, उसके सिलसिले में हो जाएगी मुझे देर। वैसे अम्मी क्या आराम रहेगा, और वहाँ मानो भी खुश रहती है नीचे कॉम्पाउंड में। अच्छा मैं मानो के बैग में कुछ चीजें पैक कर लूँ। मानो मानो बेटा। क्या बात है आज बड़ा तकल्लुफ हो रहा है। वो काली जुती ला लो, उसके साथ का पर्स भी। अच्छा वो जो मैंने उसे नहीं। हाँ दे लाओ ना, ऐसे तो नहीं लोग मुझे रिश्ते भेजते, कोई बात है तो भेजते ना। ये लो जी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाए। अच्छा नासरा सुनो, क्या मंसूर ने खुद ही कहा तुमसे मेरे लिए? नहीं अखबार वालों से कहलवाया था, भाई खुद ही तो कहा था तभी तो तुम्हें ले जा रही हूँ। हाँ भाई मेरी कंपनी ही है ऐसी, तुम्हारी तरह बोर तो नहीं हूँ, मैडम जिम्मेदारी। चलो Thank you.
वाह 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 वाह। अरे मेरी मानो आ गई भाई। हेलो वीदा मेरी जान, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक एट यू, यू आर सो प्रिटी, माय गॉड। मंसूर, ये बेटी के मंसूर नाना है। नाना? मंसूर भाई मेरी जान। अम्मी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटे, वो प्रीमियर है, मंसूर अंकल की किसी दोस्त ने बहुत मुख्तलिफ फिल्म बनाई है, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आओ चले ऊपर, कोई कोई ऐसा मसला नहीं। आओ। नहीं नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। असल में सुबह से फ्लू हो रहा था और खाना पकाने का जी नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी आपके यहाँ के आराम करूँ, फिर आप तो जानती हैं मानो कितना तंग करती है। बेटा चलो ना, फिर चलती है ऊपर, आओ, कोई मसला नहीं। आओ ना नासरा, यही तो तुम्हें खराबी है, कभी मेरा नहीं सोचती। इतनी मुश्किल से अब्बा जी से इजाजत मिल गई। अरे नहीं नहीं रानी आंटी, बोर हो जाएंगी अम्मी, आप लोग जाए ना फिल्म देखी, कोई मसला नहीं है, मैं घर चली जाऊंगी। ओहो बेटे विदा, आप ऊपर जाके टेलीविजन देखो, हम अभी जल्दी आ जाएंगे यार। नहीं मंसूर अंकल, मेरे ख्याल से मैं घर ही चलती हूँ। ये बताइए कि आप हमारे घर कब आ रहे हैं? आऊंगा बेटा आऊंगा, मगर ऐसे तो नहीं आऊंगा ना। क्या मतलब? भाई बड़ी तैयारियों से आऊंगा, मिठाइयां शिठाइयां लेके आऊंगा बेटा। बेटा वैसे मुझे अब देर हो रही है और तुम चिपक गई हो, अब तुम जाओ मेरे ख्याल से। जी जी बिल्कुल, चलो मानो, चलो आ जाओ। बाय द वे, तुम्हारी मम्मी के चमचे कुछ ज्यादा नहीं होते जा रहे हैं? पहले वो रानी आंटी थी और अब मंसूर अंकल। शहूद, कभी कभी आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मुझे तो आपकी बिल्कुल नहीं समझ में आती। आखिर अम्मी को अपनी जिंदगी जीने का भी तो हक है। खैर मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे, नींद आ रही है मुझे, सोने दो। हमेशा यहाँ ये ठीक है? ठीक, ये बन गया ना 26 नंबर। हाँ नंबर हो गए। नासरा याद है एक दफा हमारे खानदान वाले जमा होकर पिकनिक पे गए थे और वापसी पे मुझे भूल गए थे? हाँ हाँ, तकरीबन सारा खानदान ही गया था। कितने सीधे जमाने थे वैसे नासरा यार। उस जमाने में कभी ख्याल ही नहीं आया कि कजन को भी शादी के नजरिए से देखा जा सकता है। तुम्हें याद है तुमने कितना शोर मचाया था जब ताई अम्मा ने हम्माद भाई के लिए रिश्ता भेजा था? हाँ वाकई, कभी मैंने इस नजरिए से, बल्कि हम्माद ने भी नहीं कभी सोचा था। वैसे एक बात है, मुझे ये लगता है कि कजन से शादी निस्बतन आसान होती है। अब देखो ना, ये घरेलू झगड़ा तो खत्म ही हो गया ना, कि तुम्हारा खानदान मेरा खानदान, तुम्हारे लोग हमारे लोग। अरे फुप्पी तो रोज आ जाती है, अब तुम्हारी फुप्पी मेरी भी तो कुछ ना कुछ लगती होंगी। तो भाई तुम भी कहां से कहां पहुंच जाते। अब तो ना वो कजन रहा और ना कोई झगड़ा। अच्छा नासरा, अगर मैं इस कसमापुरसी के दौर में अपनी किसी कजन से शादी करना चाहूँ तो तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो सकती है, रुकैया से हो सकती है, लेकिन गुस्से की बहुत तेज है और गुस्से में बाल नहीं, मैं ये खतरा नहीं ले सकती। अच्छा देखो, खतरे का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता मशवरा जरूर है मेरे पास। अगर तुम सीरियसली मुझे कंसिडर करो तो बहुत फायदे में रहोगे। खुदा का खौफ करो ना, मैं फजूल बातें सुनती हूँ ना मैं करती हूँ। अरे भाई पक्का मुसलमान हूँ और फिर पाकिस्तानी हूँ, दो ही तो खासियतें होनी चाहिए एक अच्छे लड़के में। मेरी बच्ची की शादी हो चुकी है और फिर मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र अब। ओह कम ऑन यार, ये अभी उम्र उम्र की बात करके मुझे तंग मत करना। तुम्हारे ख्याल से 40-45 साल की औरत को सिर्फ मरने का इंतजार करना चाहिए? अच्छा और फर्ज करो 80 साल तक तुम जी गई तो बूढ़ी अम्मा को पानी कौन पिलाएगा? फजूल बातें मत करो, मेरे पास हमाद की जो यादें हैं मैं उनके साथ अपना वक्त गुजार लूंगी। ओहो, हम तो मिलके याद कर लिया करेंगे उन्हें, दोहरा दोहरा रिश्ता है हमारा उनका। बमुश्किल 12 साल रही हो तुम उनके साथ, 18 साल की उम्र में शादी हुई, 30 साल की उम्र में तुम्हें अकेली हो गई। वो तो बच्ची थी तुम्हारे साथ तो चलो गुजर हो गई होगी, लेकिन इस उम्र में कंपेनियन की जरूरत होती है। देखो मेरी बच्ची और मेरा दामाद दोनों मेरी बहुत इज्जत करते हैं,
मैं ऐसी कोई और हरकत नहीं कर सकती जिससे वो परेशान हो। ओहो, अगर उनके दिमागों में घुस घुस के सोचोगी ना तो उन्हें कभी खुश नहीं रख सकती, राइट? तुम्हें उनकी खुशी का ख्याल है तो उनको भी ख्याल होना चाहिए तुम्हारी खुशी का। अब ये दोनों समझदार हैं, तुम समझाओगे तो समझ जाएंगे। तुम बात तो करो। मैं ऐसी किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहती और बस। ओहो यार तुमने, अच्छा बात सुनो, लेट्स वर्क इट आउट। देखो ये समझो कि ये फायदे और ये नुकसान। पहले फायदे गिन लेते हैं। फायदा नंबर एक, एक पार्ट टाइम कुक। हाँ भाई, अमरीका में रहकर इंसान सब कुछ सीख लेता है। फायदा नंबर दो, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी जाने को तैयार हो। नंबर तीन, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बे वक्त आपको हंसाता रहे। नंबर चार, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। जी अच्छा, अब नुकसान की तरफ आ जाइए। नुकसान नंबर एक, जॉब होने के बावजूद एक यकसानियत और बोरियत से भरपूर जिंदगी। नंबर दो, वीदा के 6 और 7 बच्चों की बेबी सिटिंग करते करते आपका बूढ़ा हो जाना। नंबर तीन, रानी की झिकझिक तमाम उम्र सुनना क्योंकि उसकी शादी कभी नहीं होगी। नंबर चार, बूढ़ी हो जाओगी तो कोई बात करने वाला नहीं होगा। नंबर पांच, अगर बीमार हुई तो वीदा सिर्फ उस वक्त देखने आएगी जब उसके पास टाइम होगा। कोई बात नहीं, वैसे तुमने खासा खौफनाक मंजर खींचा है। लेकिन मैं इस किस्म की ड्रामेबाजी में आने वाली हूं नहीं। फिलहाल तो तुम उठो, खड़े रहो। लीजिए। चलो है? बहुत बोर कर लिया मुझे, अब चलो। लाओ। खुदा हाफिज़। बात सुनो, 3 दिन बाद फिर आऊंगा, जवाब दे। खुदा अम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, वैसे तो इंसान को हर उम्र में एक साथी और हमदर्द की जरूरत होती है, लेकिन शायद बुढ़ापे में ये जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी। अम्मी, अभी तो आप उस स्टेज पर हैं ही नहीं और ना ही होंगी। आपकी तो जॉब है, मैं और मानो है, आपको तो बोर होने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, लेकिन आगे आने वाली उम्र बहुत बेरहम होती। अकेलापन इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। तुम माशाल्लाह अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफ हो, बाज़ औक़ात तो तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए भी फुर्सत नहीं होती। शुक्र है तुम अपने घर में खुश हो, मजे में हो, मगर देखो किसी वक्त भी तुम्हारे मियाँ की फॉरेन पोस्टिंग आ सकती है, फिर मैं तो तुम्हें अपने लिए नहीं रोक सकूंगी ना। वैसे अम्मी, I am surprised. आज से पहले तो आपने कभी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की। ना जाने मंसूर अंकल ने आपसे क्या कह दिया है जो आप अकेलापन इतना शिद्दत से महसूस कर रही हैं। मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। बेटा, अकेलापन नजर नहीं आता, महसूस होता है। मेरा वजूद अकेला नहीं, मेरी रूह अकेली है। 30 बरस की उम्र में बेवा हो जाना, फिर मंसूर ने तो मुझे सिर्फ आने वाले वक्त से खबरदार किया है। बहुत डर लगने लगा है मुझे बुढ़ापे की मायूसी और तन्हाई से। अम्मी, आप ये तो सोचे कि शहूद को ये बात पसंद नहीं आएगी, बल्कि सख्त नापसंद होगी। तुम इतनी परेशान मत हो बेटे, मैं तो यूं ही तुमसे अपने फियर्स डिस्कस कर रही थी। मंसूर को तो मैंने मना कर दिया है, तुम्हारी खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज है, समझी? ठीक है, अच्छा मैं चलूं, काफी देर हो गई।
बोलो। वाह भाई वाह, ये आपको कैसे पता कि मेरा फोन है? आप तो कोई नजूमी लगती। मुझे पता था तुम ही होगी। अच्छा अच्छा, वेरी कैलकुलेटेड भाई, वेरी कैलकुलेटेड। अच्छा ये बताइए, हमारे बारे में कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंची? सोचना क्या है, पहले बता दिया था, मैं सोची। विदा से बात की बगैर ही? बात की थी मैंने नवीदा से। मंसूर वो इस किस्म की सूरत हाल को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम चीज उसकी खुशी है। वेरी सेल्फिश यार। और मैं जो करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है हम दोनों अपने अपने मामूलात में वेल एडजस्टेड हैं। आपके मामूलात तो मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल खबरनामे की तरह मुतवक्को और अटल होते हैं। रह गए मेरे मामूलात, तो आपको पता है कि जब तक आप देख न लें उस वक्त तक आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। अर्ज यह है कि तन्हा हूं और बेहद तन्हा। नासरा जिंदगी एक बार मिलती है, अभी हमारे ऊपर है कि अकलमंदी से गुजारें या बेवकूफी से। अगर अकलमंदी से गुजार ली जाए तो कोई बुराई नहीं है, और फिर हमारे मजहब में भी इसकी इजाजत है। मेरा मसला यह है कि मैं औरत को भी इंसान समझता हूं। सॉरी मंसूर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। मेरा टाइम बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, वक्त से ज्यादा तो मैं जाया हो रहा हूं। देखो भाई नासरा, मैं तुमको प्रेशराइज या ओवरबर्डन नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो भी आप फैसला कीजिए आप अपनी मर्जी से कीजिए। दूसरे लोगों के फैसलों से इंसान कभी खुश नहीं रहता। और फिर आपके बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझाओगे तो समझ जाएंगे। अच्छा खैर ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम आराम से सोचो, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। ऑलराइट, खुदा हाफिज़। अरे क्या है, बोलो भी। वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। चलो जी, कोई चीज घुमा दी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ सोने की चीज गिरा दी होगी। तुम कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। मेरी परेशानी कुछ और भी तो हो सकती है। अम्मी आई थी। अच्छा फिर? वो कह रही थी कि मंसूर अंकल ने उन्हें प्रपोज किया है। क्या 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 कह रही हो तुम? मैंने उनसे कह दिया कि ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, कि आप हम सब के लिए जरा ऑकवर्ड हो जाएगा। क्या बेवक्त की रागनी है ये सब कुछ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी तो कह रही थी कि यार अब तक तो काफी मुतमईन थी, ये अचानक उन्हें क्या हो गया? अकेली हो गई है। ये उन्हें आज पता चला है कि वो अकेली हो गई है? बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो तुम्हारे मंसूर अंकल है ना, वो हमारी जड़ों में बैठ गए बस। वैसे शहूद, कई बार हम खुद गर्जी से सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते सब चीजें, सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से। जो हमें पसंद है ना पसंद है वो ही ठीक है। नवीदा जी, एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है इज्जत और सुकून के साथ, इसलिए हम जिंदगी को हर एंगल से देखते हैं। ये तो बेहिसी है, हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देख रहे होते हैं। अम्मी ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली है, क्या अब उनको हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर पाए? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं कि आइए मेरी सास की शादी है? फॉर गॉड सेक, गिव मी अ ब्रेक। इसको इतना पर्सनली ना ले, अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो इसमें कोई खास बुराई भी नहीं है। और फिर आपके दफ्तर वालों को क्या पता कि आपकी सास की शादी है? जरूरी तो नहीं कि ऐलान किया जाए। नवीदा नवीदा, मुझसे बेकार बहस मत करो, मैं पहले बहुत उलझा हुआ।
अरे आज मेरी गुड़िया की शादी है भाई, ये तो बहुत मजे की बात होगी। कमाल है। और पता है आज तो मैं लाल फ्रॉक पहनूंगी और मुझे इतनी सारी चॉकलेटें मिलेंगी। और पता है मेरा दूल्हा मेरे लिए इतनी सारी आइसक्रीम लाएगा। आपका दूल्हा तो अभी स्कूल में किसी टीचर से पिट रहा होगा। अम्मी किधर है? भाई आपने तो मुझे डरा दिया था। ये लोग तो बहुत समझदार निकले जब मैंने इनको बताया कि ये बुढ़िया जब बूढ़ी हो जाएगी और इसको जरूरत होगी कि इसको कोई पानी वानी पिलाए तो तुम लोग क्या करोगे, बस ये सोच के ये लोग फौरन मान गए। और आइए मेरी बच्ची। अम्मी आई लव यू। अरे भाई जल्दी से जाओ। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यार माशाल्लाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग डॉल्स यू हैव। माशाल्लाह जो भी देखता है बस पागल हो जाता है। बच्ची की बात है। वैसे एक बात है नासरा, मुझे असल के साथ सूद मिला। वो कैसे भाई? एक बनी बनाई बेटी, एक बगैर खर्चे का दामाद और मुफ्त की नवासी। बस थोड़ा खर्चा हुआ तो अंगूठी में और दो चार छुआरों में। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो अमेरिका में स्कीम नहीं होती बाय वन एंड गेट वन फ्री। लेकिन यहाँ ये उलट हो गई, बाय वन एंड गेट थ्री फ्री है ना। वैसे शहूद मैंने अब्बू के सिवाय किसी को अम्मी के साथ इमेजिन नहीं किया था। ये अंदाजा ही नहीं था कि अम्मी को कभी इतना खुश देखूंगी मैं। आई एम सो ग्लैड कि मुझे कोई गलती नहीं हुई। मानो बेटा बेटा गिर जाओगे। नवीदा शहूद आओ चाय पी लो। आज जरूर चलें चाय पीने। अच्छा बल्कि ऐसे करो मेरी चाय इधर ही ले आओ। वैसे आजकल भी कमाल हो रहा है, अनमैरिड लड़कियां बैठी हैं और नानियां दादियां शादी करवा रही हैं। औरतें बच्चों की शादियां करा देती हैं, नवासे नवासियां हो जाते हैं, इसके बाद ये सब कुछ करें बहुत अजीब लगता है। अल्लाह अल्लाह करें। और बस तुम मेरी बात सुन रही हो ना? वैसे यहाँ रहकर अमेरिकन और अंग्रेज औरतों की नकल नहीं करनी चाहिए। हमेशा मुझे कुतुबवार ठहराया। आप क्या किया उसने?
उसने क्या करना था खुदा ने किया, मैं कैसे शुक्र अदा करूं अल्लाह। क्या हो गया तुम्हें, मुझे बड़ी उलझन पर डाल रहे हो तुम। तंग मत करो भाई। वो तुमने मुझे डॉक्टर हमीदा के क्लिनिक पे भेजा था। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तुझे। जी जी हेलो हेलो जी, हाँ नहीं यार नहीं, वापस नहीं आ सकता। नहीं 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 नहीं, तेरी कोई मसला नहीं है यार, वो बस कुछ खुशी की बात है। हाँ अच्छा बात सुनो, उसको फोन कर देना, क्या नाम है उसका, मालिक 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 को। हाँ हाँ उसे कह देना आज नहीं कल कल। अच्छा बात सुन, वो अब्दुल को जरूर फोन कर दे यार। हाँ उसको कहना वो उसकी जरूरत है कुछ मिठाई की। इसलिए अभी नहीं बता सकता मेरी जान, अभी नहीं अभी नहीं। हाँ हाँ अच्छी बात है यार। हाँ कल 12 बजे ठीक। नहीं नहीं यार 12 बजे के बाद। नासरा बात की तुमने? क्या बात करूं, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम खुद ही सोचो कैसा महसूस करेगी वो। देखो इस सिचुएशन को तुम्ही खुद संभालनी होगी, अपने आप को मजबूत करो। मंसूर भाई क्या कहते हैं? मंसूर तो बहुत एक्साइटेड है, खुशी से पागल हुआ जा रहा है, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी एक तो सारा दिन आप जो बिजी रहती है ना और अपने खाने का एहतियात नहीं करती, ये बहुत बुरा है। चले दूध पिए, आपको पता है पाबंदी से औरतों को 40 साल की उम्र के बाद दूध पीना पड़ता है। चले पिए वरना हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सुकड़ भी जाती हैं। बेटा मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा भाई ना बात, जब मैं बचपन में कहती थी कि मैं दूध नहीं पीऊंगी तो कैसे कैसे लेक्चर होते थे, है ना रानी आंटी। भाई अब तो तुम्हें विदा की हर बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलें पिए। अच्छा बेटा थैंक यू। विदा बेटा मेरे साथ चलो, एक बात सुना ली। क्या हो रहा रानी? आओ मेरी बात सुनो। अब तुम एक समझदार लड़की बन गई, जिम्मेदार माँ और समझदार बीवी। तुम मुझसे कौन सी नासमझी की हरकत हो गई? बेई ना समझी तो नहीं हुई, मगर अपनी माँ को ना समझी ना तो ना समझी हो भी सकती है। देखो बे इस दुनिया में जो भी कुछ होता है अल्लाह के सिवाय इसमें किसी और का कोई दखल नहीं। जी हाँ ये बात तो हर बच्चा जानता है। और हमारी जिंदगी में हर तब्दीली चाहे अच्छी हो या बुरी हो अल्लाह की मोहताज है। क्या बात है रानी आंटी, आप कोई दर्स देकर आई है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। हाँ बे इंसान की परेशानी का हल तो अल्लाह की तरफ देखने से मिल जाता है। हम समझते हम वही करते हैं जो हम प्लान करते हैं, बड़े अकलमंद हैं हम, हमारी प्लानिंग वैनिंग से कुछ भी नहीं होता है, हम वही करते जो अल्लाह चाहता है। रानी आंटी आप कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो रही? देखो बे जो ऊपर से गैर संजीदा नजर आता है ना, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी गैर संजीदा हो। मैं तो अपने आप में इतनी तनहा और संजीदा हूँ कि यहाँ आकर मैं गैर संजीदा बेवकूफ बन जाती हूँ, बस हमारे आपस में वक्त अच्छा गुजर जाता है। रानी आंटी सब कुछ ठीक तो है ना? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी माँ। क्या हुआ अम्मी को? भाई उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, अल्लाह मियाँ उनके घर में एक छोटा सा मेहमान भेज रहा है, बस वो तुमको ही फेस नहीं कर सकती है, तुम ही उसे रिलैक्स कर सकती हो, तुम्हें करना भी चाहिए। आप ये सब कुछ सोच समझ कर कह रही हैं? प्लीज अगर ये मजाक है तो बंद करें इसे, ये बहुत बेहुदा मजाक है। अम्मी ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हो गया आपको? गॉड आई कांट बिलीव दिस, गॉड सेक आप इतनी सेल्फ सेंटर्ड कब से हो गई अम्मी, क्या हो गया आपको? I am really shocked. विदा, बेटे मेरी बात सुनो, मेरे चाहने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, प्लीज
अम्मी आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था, ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बेटा प्लीज ऐसे मत कहो, देखो ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, मंसूर का भी तो मसला है, और मंसूर को पहली बार अपनी जात की तकमील महसूस हुई है, वो तरसा हुआ है औलाद की खुशी के लिए। और आपकी औलाद की खुशी, क्या आप ये भूल गई कि आपकी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी भी जुड़ी हुई है? अम्मी और शहूद, उसको मैं कैसे समझाऊंगी ये बात, आप जानती हैं वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। अम्मी आपने मुझे एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया है। What rubbish! ऐसी फिजूलियात सुनने का कतना ही नहीं यार, अब हद हो चुकी है। तुम्हारी अम्मी ने कुछ ज्यादा इमैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया? अब शहूद क्या कर सकती है, तो अल्लाह की तरफ से होता है कोई प्रोजेक्ट। अच्छा बस बस, अब मुझे कायल करना शुरू मत कर देना, बहुत बहस करती हो ना तुम अपनी माँ की तरह, बहुत लॉजिक्स हैं तुम्हारे पास। शहूद लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी, आपको उनसे क्या मतलब? अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं आप, ये जो रिश्ते होते हैं ना ये इस तरह जुड़े हुए होते हैं, तुमसे मैं, मुझसे मेरी बेटी और उससे उसकी नानी, इनको इतने आराम से जुदा नहीं किया जा सकता, और मैं उनकी जिल्लतों में उनका साथ देने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो मैं क्या करूं भाई, मेरा क्या कसूर है, आप हमेशा मुझे क्यों ताने देते हैं? बस मुझे तो अपनी फैमिली को इस खुराफात से अलग रखना है, मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूँ, ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हो कि मुबारक हो आपके सास के यहां मुन्ना हुआ है। बस आज के बाद हम में से कोई उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा। ये कैसे हो सकता है, मैं उनकी वाहिद बेटी हूं। फिक्र ना कीजिए, इसका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है, खैर से उनकी अब अपनी फैमिली है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। देखिए माँ ने उनसे बहुत अटैच्ड है, और खुद अम्मी इस वक्त शदीद टेंशन में है। सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसी तरह उनसे मिलती रहीं तो हमारे रिश्ते में जरूर फर्क पड़ सकता है, और ये मेरी वार्निंग है आपको। हेलो जी अंकल, आदाब। बात तो करो मुझसे। जी मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? दो दिन से तुम घर नहीं आई हो बेटा, इतनी फिक्र है तुम्हें अपनी अम्मी की? नहीं वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए मैं ओहो बेटा अपनी तबीयत से कहिए कि इस वक्त उसके पास टाइम नहीं है खराब होने का, आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है बेटा। अंकल अब उन्हें किस चीज की जरूरत है? विदा बेटा बात क्या है, मैं तो समझा था कि आप अपनी अम्मी और मेरी खुशी में शामिल होंगी, मुझ पर तो खुदा भी मेहरबान हो गया बेटा, तो फिर अपनी बेटी नाराज क्यों है? हाँ बेटा मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इन सारी परेशानियों का सबब मैं हूँ। नहीं अंकल मसला ये नहीं है। तो फिर मसला क्या है बेटा? अच्छा देखो ये हमारी फैमिली का ही मसला है ना, तो हमें ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अंकल आप समझ नहीं रहे, हमारे सर्कल में, शहूद के अपने सर्कल में कितना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं हम, और शहूद तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओहो बेटा जी शहूद का जहां तक ताल्लुक है मुझे पता है कि वो एक जज्बाती नौजवान, लेकिन उस उम्र में तो बेटा हर आदमी जज्बाती होता ही है, समझने से सब समझ जाएगा, और फिर तुमसे बेहतर कौन समझा सकता है उसे बेटा, ये बहुत बुरी बात है कि दूसरों को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो हंसना बोलना तक भूल जाए बेटा, और फिर हम तो हमेशा आपको खुश जाते। इधर तो फोन, मैंने तुम्हें कितने दफा कहा है कि मंसूर अहमद और नासरा मंसूर से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती है बात?
ये आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए, रखो इसको। उनका सर भी दबाइए। फोन। हेलो हेलो जी, बोलिए। क्या मुसीबत है, भागो, बाकी करो जल्दी से। चलो भाई, मानो मानो बेटा। हाँ ओके, इसका नाश्ता करिए। हाँ हाँ, इसका लंच बॉक्स तैयार है। Look at you! Isn't he a gorgeous little creature, just like his father? Baby Nasser, sister, ये तो सुना था कि कयामत के रोज बच्चे को माँ के नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन ये सिलसिला अभी से शुरू हो जाएगा, इसका इल्म नहीं था मुझे। ये बेबी नासर क्यों लिखा हुआ इस पे? ये चीट इसलिए लगाई है कि बच्चा गुम ना हो जाए। इसकी आप फिक्र ना करें, ये बच्चा कभी मिक्सअप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल अपने बाप जैसा है। नासरा ऐसे मत करो, तुम पहले ही बहुत कमजोर हो। खुदा का शुक्र करो, उसने तुम पे बहुत मेहरबानी आई। देखो कितना पाला आपका बेटा, लो इसको लो। तुमने विदा से खुद बात की थी? हाँ भाई, मैंने भी की और मंसूर भाई ने भी की, मगर वो बेचारी बहुत मजबूर है। कितनी मुश्किल में है मेरी बच्ची इस वक्त। ओहो नासरा, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी फिक्र ना करो। देखो ये सब बत्ती बातें हैं, देखो बच्चे तो जिद्दी होते ही हैं, बड़ों को तो समझदारी और सब्र से काम लेना पड़ता है। और तुम देख लेना, एक दिन आएगा जब ये बड़ा होके अपनी आपा को चोटी से खींच के ले आएगा। अच्छा बात सुनो ना, बात तो सुनो, ये बताओ इसका नाम क्या रखें? ये सारी जिंदगी नासरा बेबी ही कहलाएगा। खुद ही रख लो तुम कोई नाम। वो भाई मैंने तो सारे लड़कियों के नाम सोचे हुए थे, ये निकला है साहबजादे। इसका तो मैंने बहुत ही प्यारा नाम सोचा है, गुलफाम। हाँ रानी, तुम्हारे जहन में तो ऐसे ही नाम आएंगे, मगर खबरदार ये तुम्हारा शहजादा गुलफाम नहीं है। भाई मैं तो ये सोच रही थी जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसी से शादी करूंगी, घर की लड़की और हमसायों का लड़का। देखो ये रोने लग जाएगा, खुदा का वास्ता। एक नाम बोलो। हाँ अच्छा, रहने दो बस, तुम अपनी मर्जी से। अच्छा देखो ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सारी खुशियों का पैगाम लेकर आया है, तो क्यों ना इसका नाम नवीद रख दें। नवीद कैसा नाम? नवीद, नवीदा का भाई नवीद। अच्छा नाम है। नवीद को मैं मीठा चटाऊंगी। सुना है जो बच्चे की मुंह में पहली बार गुड़ती डालेगा ना, वो बच्चा सबसे ज्यादा उसी को चाहता है। रानी जरा शाम तक देख ले, शायद नविदा आ जाए। जानते हो ना कि उम्र और रिश्ते में मैं तुमसे बड़ा हूं। जी मुझे मालूम,
शुक्र है तुम्हें याद है यार, वरना जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना यार, ये सारी बातें शायद बेमानी हो गई। सुन रहे हो तुम? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। यार शहूद बेटे, तुम्हारे इस रवैये ने ना हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। देखिए, मैं किसी की ज़ाती जिंदगी से जब कोई ताल्लुक ही रखना नहीं चाहता तो मेरे रवैये का क्या दखल? यही तो तुम्हारी गलतफहमी है यार। तुम ये समझते हो कि ये रिश्ते धागों की तरह है, तुम तोड़ना चाहोगे टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। यार तुम एक पढ़े लिखे जवान हो, मैं तुमसे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करता था। फिर क्या उम्मीद थी आपको? सवाल मेरी उम्मीदी या नाउम्मीदी का नहीं, तुम हो या मैं, यार हमें किसी का दिल दुखाने का हक नहीं है, खासतौर पर अपने प्यार के रिश्तों में। क्या हुआ अगर मैं नासरा से शादी कर ली यार? क्या हो गया अगर हमने अपनी बेरंग जिंदगी में कुछ रंग भरने की कोशिश की? 20 साल बाद मैं अमेरिका से आया ना, तो मैंने सोचा था यहाँ सब कुछ है, हाई राइजेस, पिज्जा, व्हाटएवर है, तो मैंने सोचा शायद यहाँ का कुछ सेटअप ही बदला हो। लेकिन हम अपनी झूठी अनाओं को नहीं तोड़ सके। देखें, ये अमेरिका नहीं, ये पाकिस्तान है। मुझे पता है ये पाकिस्तान है, तो क्या पाकिस्तान में अपनी खुशी से फैसला करने का हक नहीं है हमें? देखिए जी, हम एक माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उस माशरे के असूलों के मुताबिक हमें 22 ज़िंदगी भी गुजारनी है। अच्छा, तो तुम बताओ तुम्हारे नज़दीक बाइज़्ज़त क्या है? क्या एक औरत शादीशुदा होने के बाद बाइज़्ज़त नहीं हो जाती, ज़्यादा सिक्योर नहीं होती? यार अमेरिका में तो 50 साल की औरतें शादी करती हैं, वहाँ तो कोई एतराज़ नहीं करता यार। देखिए जी, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं, आप अपना और मेरा टाइम ज़ाया ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को और अपनी बीवी को इस सारे मामले से अलग रखना चाहता हूँ। आपका मसला यह है कि आप 20 साल अमेरिका में रह गए हैं और आप ये भूल गए हैं कि यहाँ के माशरे में किस किस्म के मसाइल होते हैं। आपको उन मसाइल को और इस माशरे को समझने में अभी मजीद 20 साल लगेंगे। मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अच्छा बताएं, आपने पोयम इतनी अच्छी याद की है ना? क्या पहनावा की लगा रखा है? कौन सी पहनावा? रात को डरना मेरे पास नहीं है। ये रात को क्या, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मैंने कौन सुना? मैं आपको पोदना पोदने की सुनाऊं? हैं? या पल्लवी वाली सुनेंगी आप? हम बचपन में क्या करते थे? हम आदम बू वाली गाने सुनते थे और फिर हमको रात भर डर लगता था। आपको भी सुनाऊं आदम बू वाली? मेरी पिटाई करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। इतनी मोहब्बत करते हैं आप? Thank you.
नवीदा मैं बोल रही हूँ, वे तुम्हारी अम्मी की तबीयत सख्त खराब है, बुखार चार दिन से नहीं टूट रहा। मंसूर अंकल भी इस्लामाबाद गए, बिल्कुल नीम घसी तारी है, तुम फौरन आ जाओ। रानी आंटी आप तो जानती हैं मैं कितनी मुश्किल में हूँ, वो शहूद, ये क्या तुमने मैं लगा रखी है? जी शहूद की रट भी पकड़ ली, कभी तुम्हें ऐसे माँ दोबारा मिलेगी? शहूद की माँ नहीं है ना, इसलिए उसे रिजेक्ट करके बैठा हुआ है। तुमने इतने आसानी से उसे छोड़ दिया, उसने तुम्हारी खातिर जवानी की बेब की काट ली और तुम उसे सजा दे रही हो। शुक्र है मैंने नहीं शादी की और ना तुम जैसे कोई मेरी औलाद भी हुई। रानी आंटी आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं अम्मी बहुत याद आती है मुझे, मेरा इतना जी चाहता कि मैं आऊँ, मैं नवीद से मिलूँ, मैं उसे प्यार करूँ, उसे छूने का जी चाहता है, मगर छोड़ो ये सब बातें, अब फौरन आ जाओ। अच्छा आंटी मैं आ रही हूँ। अच्छा ओके। नासरा विदा आ रही है, विदा आ रही है। मानो 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 बेटा देखो पापा आ गए। मानो मानो कहे नीचे गई क्या? फिर कहे अम्मी की तरफ, मैं अम्मी से मिलने गई थी। क्यों खैरियत? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मैं डॉक्टर को लेके गई थी। वो उनके शौर्य नामदार और उनकी सहेली साहिबा वो कहाँ हैं? मंसूर अंकल इस्लामाबाद गए हैं और रानी आंटी ड्राइव नहीं कर सकती, वैसे भी वो मेरी माँ हैं और बीमार है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। माँ के यहाँ से आने के बाद बहुत ज्यादा जबानें चल रही आपकी। बाय द वे आप किससे पूछी गई? अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की तो जरूरत नहीं है। ओके ओके, आप मेरी बेटी को किसकी इजाजत से लेके गई थी? शहूद आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? बेटी भी आपकी, माँ भी आपकी और अकल भी आपकी, हर चीज आप ही की दोस्त है। मेरी हैसियत क्या है इस घर के अंदर? शहूद प्लीज बच्चों जैसी बातें ना करें, ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो ओवरनाइट टूट जाए। जी ये रिश्ते इतने कमजोर नहीं है जो टूट जाए। एक बार गौर से सुनिए मेरी, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है मियां बीवी का, तीन लम्हों में टूट जाता है, ये इतना कमजोर होता है। शहूद आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इंसान जब कहीं रिश्ता जोड़ता है तो किसी एक फर्द से रिश्ता नहीं जोड़ता, पूरे खानदान से रिश्ता जोड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी जिल्लतों में भी उनका साथ देने लगे। देखिए आपको अपनी जिंदगी से गर्ज होनी चाहिए, आप नहीं मिलना चाहते तो ना मिले, मगर उनको तो मेरी जरूरत है और मुझे हमेशा उनकी जरूरत होगी। आप ये मत भूले कि वो मेरी माँ है। एक ऐसी औरत जो बुढ़ापे में शादियां करे और फिर औलाद पैदा करके दुनिया के आगे तमाशा बने, उससे मेरी बीवी का या मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं है। शहूद आप मेरी माँ की इंसल्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है तो लगे, तुम्हारी माँ एक खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। तुम जानो और तुम्हारी माँ। मानो बैठो बेटा, चलो मेरे साथ बैठी हुई वहां पे।
बेटे ऐसे मत डांटो, घबरा रही है बहुत। आप बीच में मत बोलें, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। और एक बात कान खोल कर सुन लें, बहुत डिस्टर्ब कर दिया आपने मेरी लाइफ को, अब मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। शहूद, शहूद बेटे प्लीज बात सुनो। शहूद हेलो जी अम्मी। हाँ बेटे वो शहूद आया था, बहुत गुस्से में था, मानो को बुरी तरह डांटते हुए ले गए। बस बेटे मुझे बहुत फिक्र हो रही, मानो बहुत घबराई हुई थी जी। यहाँ से भी बड़ा चीख पुकार के गए थे। प्लीज मुझे बता देना जैसे खैरियत से पहुंच जाए तो। अम्मी उन्होंने आज से तो कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं मुझसे उसने कुछ नहीं कहा, तुम फिक्र ना करो। डोंट वरी बेटे, मुझे कुछ नहीं कहा उसने। ओके शमा बाजी। नहीं खैरियत तो है, वो बस ये पूछ रहा था कि शहूद और मानो तो आपकी तरफ नहीं आए। अच्छा नहीं असल में मैं घर में नहीं थी इसलिए। हाँ ओके। नहीं परवेज भाई अभी तक नहीं लौटे। नहीं जब इसीलिए तो आपको फोन किया था। हाँ सोदिए तुम्हारी तरफ नहीं आए ये, मैंने कहा इसी दोबारा चेक। देखो मैं सब लंबी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। हाँ अम्मी। नहीं अम्मी अभी तक कोई फोन नहीं आया। नहीं अम्मी अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वो इना वो गुस्से में बहुत तेज चलाते हैं गाड़ी, मुझे खुदा ही खैर करे। अब हौसला तो कर रही हूँ बट अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आ जाए। प्लीज अम्मी आप लोग सब आ जाए प्लीज। दीदा बेटा हौसला करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। कैसे हौसला करे, पूरे 3 दिन हो गए उन्हें गायब हुए। अम्मी अम्मी मुझे मानो बात याद आ रही है। अम्मी अम्मी वो ठीक तो होगी ना? हाँ मेरे बच्चे वो ठीक होगी, तुम फिक्र मत करो। हेलो हेलो शहूद आप खैरियत तो है? मानो कहाँ है, मानो कैसी है? नवीदा जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनो, मैं अपनी बेटी को इस सारी खुराफात से अलग रखना चाहता था, इसीलिए उसको लेकर लंदन आ गया। मैं नहीं चाहता इस कसम के खुराफात में मेरी बच्ची और मैं हिस्सेदार बने। मैंने तुमको बहुत समझाया लेकिन तुम भी मजबूर हो और मैं भी, तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती लेकिन मैं तो तुमको छोड़ सकता हूँ। बीच में मत बोलो, मेरी बात गौर से सुनो, मेरा टेलीफोन किसी वक्त भी कट सकता है और मेरा रابطہ भी। आज के बाद मेरा या मेरी बेटी का तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा हैं। शहूद प्लीज ऐसा ना करें, शहूद प्लीज मुझ पर रहम करें, मैं टूट जाऊंगी। प्लीज मेरी मानो से बात कराए। नहीं शहूद मेरी मानो से बात कराए शहूद। क्या हुआ बेटा, क्या कह रहा था, क्या कह रहा था वो बताओ ना प्लीज, क्या कह रहा था? अम्मी अम्मी वो मानो को लंदन ले गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अम्मी नहीं
नासरा तुम तो अपने आप को संभालो। नासरा अगर तुम ऐसे करोगे तो विदा को कौन संभालेगा? वक्त शहूद कितना जहरीला निकला, विदा को सजा देने में उसने अपने मासूम बच्चे की माँ भी छीन ली। मंजूर मंजूर देखो इसे क्या हो रहा है, बेहोश होते जा रही है। विदा बेटा देखो प्लीज। विदा मंसूर यहाँ पे ठंडे हो रहे, प्लीज देखो क्या हो गया। ये शहूद इतना बेवकूफ निकला, एक रूम में डॉक्टर को ले जा। रानी रानी इसके हाथ पे ठंडे हो रहे, देखो प्लीज क्या हो गया। प्यारी मानो बिल्ली, मानो बेटा, आप मुझे यहां क्यों लाई है? आप ही तो है मेरी खुशियों की कातिल, अपना घर बसाकर मेरा उजाड़ दिया। कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मंसूर अंकल आए, सब कुछ खराब हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अम्मी अम्मी मेरा तो सब कुछ लूट गया। आपके पास तो है ना आपका बच्चा, मैंने तो मानो को 3 दिन से प्यार नहीं किया, मम्मी, मैं तो बेकसूर थी, मुझे किस चीज की सजा दी आपने? मम्मी आप और आपका बच्चा मेरे दुश्मन है, दुश्मन है मेरे, जिंदगी बर्बाद करती। निविदा बेटा हौसला करो, अपनी माँ को ऐसे नहीं कहते बेटा। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे फायदा नंबर एक, एक पार्ट टाइम कुक। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने दफ्तर में जाके कार्ड तकसीम करूं कि आइए मेरी सास की शादी है? मुझे तो आप बिल्कुल अकेली नहीं नजर आती। फायदा नंबर दो, एक ऐसा ड्राइवर जो हर वक्त कहीं भी जाने को तैयार हो। एक माशरा होता है जिसमें हमें रहना होता है सुकून और इज्जत के साथ। आपको तो अपना अकेलापन दूर करना था, ये तन्हाई एक मजमे में बदल जाएगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। नंबर तीन, एक ऐसा एंटरटेनर जो मुफ्त में काम करे और वक्त बेवक्त आपको हंसाता रहे। मैं दुनिया में सर उठाकर चलना चाहता हूँ, ये नहीं कि मेरे मिलने वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे हों कि मुबारक हो आपके सास के मुन्ना हुआ है। मैं तो बेकसूर थी, मुझे किस चीज की सजा दी आपने? नंबर चार, एक ऐसा साथी जो तन्हाई और बुढ़ापे में आपका साथ दे बशर्ते के जिंदा रहे। तुम्हारी माँ इंतहाई बेवकूफ और खुदगर्ज औरत है जिसने हम सबको एक जहन्नम में धकेल दिया है। आपका बच्चा मेरे दुश्मन है। बर्बाद हो गए।
नासिरा, मैम, नासिरा, अरे भी बात तो करो मुझसे, नासिरा प्लीज। मंसूर जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें से किसी को फेस नहीं कर सकती बस। ठीक कह रही हो, हरकत तो तुमने ऐसी ही की है। हम में से किसी का ख्याल नहीं आया ना तुम्हें, बहुत खुदगर्ज। हाँ, खुदगर्ज तो हूँ मैं, अपनी खुशियों के लिए अपनी बच्ची की खुशियां बर्बाद कर दी मैंने। जैसे खुदगर्ज माँ को जीने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं सजा देना चाहती थी अपने आप को, मगर मुझे किसने बचाया? क्यों बचाया मुझे? अगर बचाया तो तुमको अल्लाह के बंदों ही नहीं है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई मर नहीं सकता। लेकिन एक अफसोस है मुझे, तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया। मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है, मेरा भी तो सोचना चाहिए था तुम्हें। तुम ही तो हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले। क्या जरूरत थी मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने की? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम नहीं समझे इस सोसाइटी को, इसके उसूलों को, मेरी बात को, किसी चीज को नहीं समझे तुम। मैं वो औरत हूं जिसने 30 वर्ष की उम्र में बेवकी और बेचार की देखी, लेकिन शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी बच्ची को इज्जत और सुकून से पालना चाहती थी, उसको एक बाइज्जत मुस्तकबिल देना चाहती थी। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद ही छीन लिया। क्या जरूरत थी मुझे इस उम्र में अपनी ही नजरों से गिराने की? देखो, मैंने जो कुछ किया इखलाकन मजहबन कानूनन ठीक किया, और रही बात नजरों से गिरने की, तो तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो तुम किसी की नजरों से गिर जाओ। मेरी जिंदगी यूं मेरे हाथों से निकल जाएगी, मैं इतनी बेबस हो जाऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी बच्ची मेरी वजह से बेऔलाद हो गई, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकती। नवीदा के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। कह डालो ना सर, जो कहना है कह डालो, हल्का कर लो दिल को। लेकिन सारे दौर एक जैसे नहीं रहते, जो आज है वो कल शायद ना हो। कोई नहीं मानेगा तुम्हारी दलीलें, कोई नहीं मानता। जो सबको सही लगे वही ठीक है। ठहरे हुए पानी में कंकर मारने का नतीजा देख लिया ना तुमने। मानो मेरी प्यारी बच्ची, कितना मिस करती होगी अपनी माँ को, मुझे याद करती होगी, सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मैं किसी किसी की मदद नहीं कर सकती, कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों में से किसी की तकलीफ भी नहीं देख सकती। अब बस मुझे तनहा छोड़ दो प्लीज, मुझे तनहा छोड़ दो। Simply hopeless. चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तनहा छोड़ दो। चले जाओ तुम यहाँ से प्लीज, तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं देख सकती, किसी को नहीं देख सकती मैं, किसी से मिलना नहीं चाहती, किसी से मिलना नहीं। नासिर, मुझसे तो तुम नाराज, दीदा से शर्मिंदा, मगर इसका क्या कसूर? क्या इससे भी नहीं मिलोगी?